दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रचना क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि SSC CGL 2022 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें SSC ने अभी अभी न्यूज़ निकल करके आई है, 7 बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और ये सारे महत्वपूर्ण बदलाव हैं। तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप से पहले, आवेदन करने से पहले जो है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं भी कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-3 सालों से और आपकी मेहनत लगातार आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो जो आपको ये मौका मिला है, अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसको आप प्लीज़ नहीं गंवाइए। तो ये जो 7 बड़े बड़े बदलाव SSC CGL ने किए हैं, तो इसको देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, ताकि हम जो है सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके आपको दे देंगे। बस 2-3 जो है आपको 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आपके फ्यूचर, जो आपके ड्रीम जॉब को लेकर के बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके सारी वो चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपके वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पे जो है SSC CGL से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आप तक पहुँचाए रहेंगे, तो आपको वीडियो के द्वारा अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह के बदलाव SSC ने किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो है यहाँ पे ऑफिशियल जो हिंदी जो News18 की जो वेबसाइट है वहाँ पर हूँ, और बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए है कि अभी अभी की खबर निकल करके आई है, और ये खबर में आप देख लीजिए हेडिंग में कि SSC CGL भर्ती प्रक्रिया में हुए 7 बड़े बदलाव, आवेदन से पहले जान लेना ज़रूरी। तो ये जो 7 महत्वपूर्ण बदलाव है जानना ज़रूरी है, और बिल्कुल ये लेटेस्ट आज की खबर है। आप देख सकते हैं, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि बिल्कुल आज की जो लेटेस्ट ये अपडेट है, आप देख सकते हैं कि 24 सितंबर 2022 की अपडेट है और शाम में आई है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कर्मचारी चयन आयोग ने, ये सब चीज़ तो आप जानते ही हैं कि 17 सितंबर को SSC CGL के लिए भर्ती आई और करीब 20,000 के पदों पर जो है रिक्त पद के लिए जो है वैकेंसी आई है, और ये पहली बार हुआ है कि इतने सालों बाद जो है 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आई। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब 4 नहीं, सिर्फ 2 टीयर में ही एग्ज़ाम होगी, आपके जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो सिर्फ 2 टीयर में होगी, Tier 1 और Tier 2। पहले जो भर्ती प्रक्रियाएं होती थी वो जो होती थी, पहले भर्ती प्रक्रियाएं 4 टीयर में होती थी, लेकिन सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ 2 टीयर में भर्ती प्रक्रियाएं होंगी। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है वो देख लीजिए, यह है आपका लिखा हुआ है कि 2 Tier 2 एग्ज़ाम मार्क्स के आधार पर बनेगी मेरिट लिस्ट, यानी अब जो Tier 2 का में जो आपके नंबर आएंगे उसी के बेसिस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। पहले क्या होता था कि पहले ये 3 टीयर के मार्क्स पे आधार बनती थी, लेकिन अब जो है उसको घटा करके सिर्फ Tier 2 के एग्ज़ाम के मार्क्स पे आधार करके बेसिस करके जो है आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। अब जो तीसरी महत्वपूर्ण बदलाव है वो है कि Tier 2 में पूछे जाएंगे GK, रीजनिंग और कंप्यूटर संबंधी प्रश्न। तो ये सारे को भी अब आपको सिलेबस में थोड़ा चेंजेस आ गया है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इंग्लिश के साथ GK, रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कम हुए मैथ्स और इंग्लिश के प्रश्न। अब क्या होता था कि पहले जो है 200 अंकों के 100 प्रश्न इंग्लिश के और 200 अंकों के 100 प्रश्न मैथ के पूछे जाते थे, तो आप देख सकते हैं 400 जो है सिर्फ इंग्लिश और मैथ जो है मिलाकर के हो जाता था। तो किसी बच्चे को अगर इंग्लिश और मैथ अच्छे से आती थी तो वैकेंसी एग्ज़ाम क्रैक कर लेता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सिर्फ 30 प्रश्न जो है आपको मैथ से पूछा जाएगा और उसके अलावा 45 प्रश्न जो है आपके इंग्लिश से होंगे। तो आप देख सकते हैं बड़ा बदलाव है, बड़ा चेंज है SSC CGL की तरफ से। उसके बाद देखिए कि मार्किंग का पैटर्न भी अब क्या हो गया, बदल गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि Tier 2 के मार्किंग का पैटर्न भी बदल गया है। Tier 2 की परीक्षा में पूछे जाने वाले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के जो प्रत्येक प्रश्न होंगे अब कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। तो ये देखना ज़रूरी था आपके लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। जो पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसको CGL ने पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ख़त्म कर दिया गया है, और जो जो चीज़ भी होता था उसको जो है Tier 2 के टेस्ट में ही जोड़ दिया गया है, यानी अलग से जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर देने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। और आखिरी और जो है फाइनल जो 7वीं जो आपकी बदलाव है वो है कि SSC CHSL के पद भी अब CGL में शामिल हो गए हैं। कुछ पद हैं, सारे पद नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्टल असिस्टेंस है और सर्टिंग असिस्टेंस है, ये पहले CHSL के जरिए होती थी, लेकिन अब इसको भी जो है SSC CGL में जोड़ दिया गया है। तो ये सारी जो है 3, 4, 5, 6, 7 जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं जो SSC ने किए हैं आप सभी के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी आपको ज़रूरी थी, ताकि जब आवेदन करें और आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ईजी हो। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो के लिए टाइम निकालने के लिए, और ये आपके फ्यूचर और ये आपकी जो ड्रीम जॉब है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अभी जो है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है हमेशा जो है आपके लिए जो है SSC CGL से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई भी अपडेट आएगी, तो आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।